Hey students, very good morning to all of you and happy Raksha Bandhan to all. हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब रक्षाबंधन जा चुका हो, लेकिन फिर भी आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयां। तो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले भी हम जितनी थ्योरीज पढ़ चुके हैं वो भी बात करती हैं किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे वो लुईस रोड स्ट्रक्चर्स की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए किसके बारे में, वेस्पर थ्योरी के बारे में, वो भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में बात करती है। तो इस थ्योरी में भी हम बात करने वाले हैं किसके, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जब हम बात करें, पहले हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन मीन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, किस तरीके से एनर्जी सिस्टम की घटती है या बढ़ती है, विच रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन और नॉन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एनी मॉलिक्यूल। तो मुझे ये थोड़ी किसके बारे में बात करती है, ये बात करती है कि अगर कोई भी दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में ना ही तो कोई फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, ना ही कोई फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होते हैं। मीन्स टू एटम व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देयर इज नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, बट व्हेन दे स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं, मीन्स एक दूसरे से पास आना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके बीच में कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और कुछ फोर्सेज ऑफ रिपल्शन ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड बच्चे, अगर हम बात करें कौन से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकते हैं, देखिए सीधी सी बात, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज, देर इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देर इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देर इज पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन, मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, इनके बीच में भी रिपल्शन। मीन्स कुछ फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होंगे जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के बीच में होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी होंगे। जैसे ये न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस। तो ये बेसिस था किस चीज का, दैट इज विविटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे अगर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाए किसके ऊपर, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, तो फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होने से मॉलिक्यूल दूर भागेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होने से उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। और हमें मालूम है अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो गई, मीन्स अगर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, नो बॉन्ड इज फॉर्म। बट इफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस। तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो हम बात करें यहां पर, इफ टू एटम्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा, बट एज दे स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू करके, देन सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑपरेट बिटवीन देम, ठीक है। और मैं वो बात कर रही हूँ कौन कौन से फोर्सेज हो सकते हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसी को समझने के लिए लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें, ये हमने कहा कि एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, हमें मालूम है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
तो अब देखिए यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, रिपेल। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। पहला फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विद न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, दूसरा बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, फिर हम बात करें अट्रैक्शन की होंगे। देखिए कौन से अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चे ये है अट्रैक्शन के फोर्सेस या इंटरैक्शन के फोर्सेस और ये है रिपल्शन के फोर्सेस। तो बच्चे ये देखा गया कि इन H2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, और हमें ये बात मालूम है कि जब दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, इसमें दैट इट मींस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम मीन्स मैं कह रही हूँ कि कोई भी आप H2 कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आप कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम और मॉलिक्यूल। अगर ऐसा होगा, एनर्जी अगर क्या करेगी, रिलीज होगी, मतलब एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, और H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, हेंस फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल टेक प्लेस, इसीलिए H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मुझे इसी चीज को हम एक और ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ किया गया, इसके बीच में दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी। हम बात कर रहे हैं, मैंने जो ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ कि ये एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इससे नीचे नेगेटिव और इससे ऊपर क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जब कोई भी एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है दो एटम्स के बीच में, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कितनी एनर्जी है, जीरो। अब जैसे जैसे ये एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू हुए तो सिस्टम की एनर्जी घटना शुरू हुई। क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इधर आने पर डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, इट रीचेस अ मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंचता है, यहां पर पहुंच गया। लेकिन अगर इसके बाद और ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कम करूंगी तो ये देखा गया कि जो सिस्टम है इसकी एनर्जी वापिस इंक्रीज करना शुरू हो गई। ठीक है ना, मीन्स जैसे जैसे पास आते घटती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद मिनिमम हो जाती है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप उन एटम्स को पास लेकर जाओगे तो उनकी एनर्जी फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है जहां पर सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। देखिए यहां से समझ सकते हैं, दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, एक दूसरे की तरफ आए, इतनी दूरी पर आने के बाद ये और ज्यादा पास नहीं जा पा रहे, रुक गए यहाँ पर। तो ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। क्योंकि अगर ये दो एटम एक दूसरे के और ज्यादा पास जाएंगे तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करना शुरू करेंगे। अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करना शुरू करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, मतलब H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और H2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होती है सब एटम्स की फिक्स लेंथ होती है कि उससे ज्यादा पास वो और नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि उसके बाद फोर्सेस ऑफ रिपल्शन स्टार्ट डोमिनेटिंग ओवर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ही डिसाइड
एक्चुअली में व्हाट शुड बी द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू एटम्स। और एक बात और बच्चे हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि एटम की बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, ठीक है ना, अगर क्या होगी बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? बॉन्ड जितना छोटा है उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिएगी। देखिए बेटे ये है, अगर मान लिया मेरे का एक छोटा सा बॉन्ड है इसको मुझे तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। बच्चे अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं देखिए बॉन्ड जितना छोटा होगा मीन्स बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ मोर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लार्जर द बॉन्ड लेंथ लेस विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए एक ये छोटा सा बॉन्ड अगर मुझे तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर इसी के साथ मुझे एक बड़ा बॉन्ड तोड़ना है तो बच्चे इस बड़े बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी रिक्वायर्ड होगी। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। और अगर मैं बात करूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break one mole of bond of same type, bond of same kind। एक ही तरीके के एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। और बच्चे देखिए बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, ये भी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसी तरीके से आप ये बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। छोटी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा हायर अमाउंट में एनर्जी चाहिएगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसका मतलब बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल है आसानी से टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से बच्चे हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन रिपल्सिव फोर्सेस इन कंपैरिजन टू डिक्री दैट इज डोमिनेट ओवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो बच्चे हम इसी चीज को एक्सप्लेन करें व्हाई फॉर्मेशन नॉन फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल टेक प्लेस। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं दिस इज का दैट इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ HE2 मॉलिक्यूल। देखिए हमें मालूम है HE2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है, तो बच्चे इसको क्यों नहीं बनता इस चीज को हम एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये हीलियम है, यहाँ पर भी क्या है एक हीलियम है, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम साथ में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन और रिपल्शन दोनों की ही बात करेंगे, ये अगेन मैं हीलियम ही बना रही हूँ बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, ये आपस में। तो बच्चे यहाँ पर बात करें क्या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की। अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूँ ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ये कौन से हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट ओवर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, अब आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ पर 5 फोर्सेज ऑफ रिपल्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 4 फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं। इस केस में फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट ओवर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ HE2 मॉलिक्यूल टेक प्लेस। तो जब इसका एनर्जी लेवल का आप ये बोल सकते हो डायग्राम बनाएगा इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और साथ में किसका पोटेंशियल एनर्जी का, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला। मीन्स जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कम थी, मतलब एटम्स दो एटम दो हीलियम एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, लेकिन जैसे जैसे डी डिक्रीज हुआ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रही है। और हमें मालूम है इफ एनर्जी इंक्रीज स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज कर जाएगी, तो दैट इज वाई स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के कारण HE2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी।
ठीक है। तो बच्चे ये बेसिक कंसेप्ट था इस चीज की टर्म में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता है और क्यों कोई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। हालांकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे आप ये बोल सकते हो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काउंट करना क्या होता चला जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा। और ये वाली थ्योरी आप ये बोल सकते हो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल जिनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों वहाँ पर अप्लाई करने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसने एक बेसिक आइडिया दिया था कि वाई Hg2 डज नॉट फॉर्म, क्यों फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो कोई ऐसी स्पीसीज जिसमें फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेंगे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर, वहाँ पर उस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बच्चे पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम BBT की ही बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे यहाँ पर बहुत आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, इतना पसीना मुझे आ रहा है। तो मैं इसके लिए एक और लेक्चर लूँगी आपका जहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे क्या BBT इन टर्म्स ऑफ दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट BBT इन टर्म्स ऑफ क्या एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे BBT इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट के साथ, आप बोल सकते हो BBT के सेकंड पार्ट के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम पढ़ेंगे किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, हाउ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म विद ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।